और अब बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु के कोयंबटूर से आ रही बड़ी खबर, जहां पर वुशु चैंपियनशिप में दिल्ली के शिव विहार के प्रशांत स्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। 27 से 31 जुलाई तक हुई वुशु चैंपियनशिप में प्रशांत स्वामी ने 65 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद प्रशांत के घर पर जश्न का माहौल है, परिवार और रिश्तेदार खुशी से झूमते दिखे। वुशु चैंपियनशिप में 30 राज्यों से 500 प्लेयरों ने हिस्सा लिया था, इनमें 33 प्लेयर दिल्ली से थे। शिव विहार के प्रशांत स्वामी उन 11 प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हुए जिन्होंने मेडल अपने नाम किए। इस मौके पर प्रशांत के कोच जागीर भी बेहद खुश दिखे। दिल्ली लौटने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ ग्रैंड वेलकम हुआ। वहीं प्रशांत ने इस जीत का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया है। तो ये प्रतियोगिता तमिलनाडु में हुई थी, जहां पर प्रशांत स्वामी पहुंचे और उन्होंने दिल्ली से होने के बावजूद अपने हुनर को उस प्रतियोगिता में सामने रखा, पदक जीता। जब लौटकर वापस पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, उनका और उनके कोच का। दो तस्वीरें। जब मैं टीवी में देखता था मेडल जीतते हुए और सब चीज़ें देखते हुए, फिर मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं भी स्पोर्ट्स खेलूं और उसमें नाम आगे बढ़ाऊं अपना। फिर मैं नेरला वुशु क्लब गया, जहाँ पे मेरे कोच हैं, इन्होंने मुझे सिखाया। 4-5 साल से मैं पहले कहीं और कर रहा था, अब 1 साल से इनके पास कर रहा हूँ। इनके पास आके मेरा नेशनल में मेडल आया है। इसका श्रेय मेरे कोच को और मेरे माता पिता को। बच्चों का जो दिल्ली के और 6 मेडल आए हैं, और दिल्ली में नरेला एकेडमी हमारी, उसमें से एक प्रशांत है जो 56 में आया है। 3-4 साल से मेहनत कर रहा था, काफ़ी दिन से परेशान था, फिर अब जाके फिर इसने हिम्मत नहीं आ रही थी। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया है, और जहाँ पे रहता है सब ने, चाचा ताऊ ने, सब ने सपोर्ट अच्छी तरह किया, मेहनत मन से की है, अब जाके इसका मेडल आया है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि माँ बाप की दुआ के बिना और कोच के बिना कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आगे गोल्ड भी लाए और गाँव का भी नाम रोशन करें।